वर्ष मोदी साहब की 9 साल की जो कारकिर्दी, जो देश के लिए सेवा समर्पित की, सुशासन लाया और गरीबों के कल्याण के लिए जो जो कुछ गतिविधियां हुई, वो भारतीय जनता पार्टी ने अभियान के माध्यम से, मोदी महाजनसंपर्क अभियान के माध्यम से लोगों तक पहुंचाने का हमारा कार्यक्रम है, जिसमें लोकसभा के जो 48 हमारे क्षेत्र है वहाँ 7-6-7 प्रकार के कार्यक्रम हैं, विधानसभा जो हमारा 288 वहाँ कार्यक्रम है, और अभी उत्तर मुंबई लोकसभा क्षेत्र में मीडिया के साथ संवाद, आप लोग के सोशल मीडिया के साथ संवाद, ये कार्यक्रम के अंतर्गत मोदी साहब की कामगिरी लोगों के सामने लेके जाने का प्रयास है, वो ये कार्यक्रम है। गुंडागिरी करके राजनीति में हम सफल होंगे नहीं तो राजनीति कर सकते, ऐसा किसका अगर समझ होगा तो यह राज्य में नहीं चलेगा। अगर राजनीतिक उद्देश्य, क्योंकि भास्कर कुरसुंगे की बयानबाजी से मेरा किससे वाद नहीं था, कोई प्रॉपर्टी से इश्यू वाद नहीं था, राजनीतिक मेरे बैनर फाड़े थे बाद में, राजनीतिक इसमें कुछ है क्या ऐसा उन्होंने संशय व्यक्त किया है, तो अगर राजनीति बाहुबल के जोर पे कोई करना चाहता है तो बक्सा नहीं जाएगा, मैं खुद ध्यान डालूंगा। मैं सीपी के साथ बात की है और गुंडागिर्दी इतनी खुलेआम शिंदे फडणवीस साहब के सरकार में सहन नहीं की जाती। आपकी विधानसभा में तीसरी बार नहीं, तभी वह कार्यकर्ता के पीछे हम डट के रहे, इसलिए कार्यकर्ता वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ा। अभी यह बार बार हो रहा है और ये कौन सी प्रवृत्ति है वो ढूंढ लो, ऐसा मैं सीपी को बोला है। पुलिस के पास मैं मांग किए, आपके माध्यम से मांग करता हूँ कि मुंबई के पुलिस इसके पीछे कौन है उनको ढूंढ ले, ये हम मांग किए, नहीं तो भारतीय जनता पार्टी इसके बारे में भी खोज करेंगे और लोगों को न्याय देने का प्रयास करेंगे, शांतता रखने में मदद करेंगे। सर, जिस तरह से सांता क्रूज में लचवाड़ में इंजीनियर को हाथापाई की गई है, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे सर? क्योंकि बात थी नल है तो कल है तो इंसान है, और पानी नहीं मिला तो कहीं ना कहीं कोई जान भी दे सकता है, इस तरह की वहाँ की आम जनता की बात है। लेकिन यहाँ पे शिवसेना के उद्धव गुट के लोगों ने वहाँ पे लचवाड़ में जाकर कहीं ना कहीं इंजीनियर को मारा है कि शिवसेना का जो घर है शाखा है उन्होंने ही गिरवाया था, ऐसा बोला गया। नल है कल है क्या, ये रेफरेंस मुझे कुछ लगा नहीं, मोर्चा पाण्यासाठी होता है मी शिफ्ट हो। हाँ, ये जो मराठी में कहते भयकट लिली, अभी क्या हिंदी में बोलते सकते प्रकाश, वो दिशाहीन जो उद्धव ठाकरे की शिवसेना हुई है, मतलब मोर्चा गया नल पानी के लिए और बात किया हथौड़ा को चलाया, तो इसलिए अभी वो कितने संभ्रमित है वो लोगों के सामने आता है। मुझे लगता है कि इसी तरह का किसके ऊपर हाथ उठाना उचित नहीं, सरकार ने ध्यान दिया, उनके ऊपर कार्रवाई हो रही है, अभी वैफल्यग्रस्त उद्धव ठाकरे की शिवसेना हो रही है, इसलिए इसी तरह का काम करे। और नल और पानी के बारे में 25 साल तो महापालिका की सत्ता आपकी थी, और हम लोग मोदी साहब ने हर घर जल ये मुहिम निकाली और महाराष्ट्र में 1 कोटी के ऊपर घर में नल देने का काम हम लोग किया, और इसलिए नल के बारे में पानी के बारे में हम संवेदनशील हैं, और उनका कुछ सुझाव है मांगे है तो हमारे पास करें, हमारी सरकार वो पूरी करेंगी। लेकिन वड्याचं तेल वांग्यावर जो मराठी में कहावत है कि हो गया हथौड़ा इधर और पानी की मांग के लिए मोर्चा और हथौड़ा क्यों चलाया, तो मुझे लगता है संभ्रमित उद्धव ठाकरे की शिवसेना दिख रही है और हर पल अपने को देखने में आ रहा है। सर, महाराष्ट्र की ईमानदारी से देखो, राजनीति टीका टिप्पणी तो विपक्ष का लोग करेंगे, कभी इस मुंबई शहर में मुख्यमंत्री नाले पे उतरा था, पहला ही सीएम साहब के दौरा मुंबई में किया, मैं भी उनके साथ था, नालों पर वो गए, कई लोगों को सस्पेंड किया, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहब ने मुंबई के इस सब आपत्ति के बारे में बैठक की थी, पालक मंत्री कल वार रूम में थे, और 25 साल मुंबई तो
पानी के नीचे आ रही है, लेकिन उसका प्रमाण कम हुआ है, उसका कुछ नहीं। मुझे बताओ, आज रेल बंद हुई है, चालू है, मुंबई की बसेस चालू है, वाहतूक व्यवस्था चालू है, अभी पानी भर रहा है, लेकिन जैसा जैसा पहला बारिश में, तो हमारे विपक्ष के छगन भुजबल साहब ने बताया कि पहला बारिश होता है तो कचरा बिचरा, तो इसका राजनीति करने की आवश्यकता नहीं। लेकिन मुंबई जिसके हाथ में थी 25 साल, अभी अपने हाथ से निकल रही है, तो अभी उनको पानी दिखेगा, कचरा दिखेगा, पानी भरेगा, केवल राजनीति है। आओ, कुछ प्रॉब्लम हम साथ मिलकर करेंगे, लेकिन हर चीज की राजनीति मत करो।